अब मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय हमारे विश्वविद्यालय से प्रीति प्रजापति को बुलाना चाहूंगा। नमस्कार, यहाँ मौजूद सभी गणमान्य और आदरणीय शिक्षकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रीति प्रजापति है, मैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से के लिए छात्रा हूँ। सबसे पहले तो हिंदी विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मंच देने के लिए। आज हमारा देश भारत किसी चीज में वर्ल्ड चैंपियन हो या ना हो, लेकिन एक चीज में वर्ल्ड चैंपियन जरूर है और वो है जनसंख्या के लिहाज से। जनसंख्या के लिहाज से आज भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और हम इसमें स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं। साल 1951 में भारत की आबादी 31 करोड़ थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज अमेरिका की आबादी भी इतनी ही है और पिछले 73 वर्षों में 31 करोड़ से हमारी जनसंख्या आज 145 करोड़ तक हो चुकी है। हम चीन को भी इस मामले में पीछे छोड़ चुके हैं और इसीलिए आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हर जगह हमें लंबी लंबी लाइनों में और कतारों में इंतजार करना पड़ता है, फिर चाहे वो कॉलेज में एडमिशन के लिए सीट हो या फिर बस में कहीं सीट हो, जॉब के लिए हो, ट्रैफिक के लिए हो, हमें हर जगह इंतजार करना पड़ता है और हम इसमें नंबर वन है। लेकिन अब इस जनसंख्या को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं वो आप पर निर्भर करता है। ये एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है ये आप लोगों के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसी के साथ हमारा देश भारत आज जो है दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश भी है और हमारे देश में आज स्वामी विवेकानंद के विचारों की लड़ाई इस देश में इंटरनेट, ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया के युग से है, क्योंकि आज 13 से 17 वर्ष के 71% बच्चों के पास हमारे देश में स्मार्टफोन्स हैं और इन स्मार्टफोन्स ने हमारे देश के जो बच्चे हैं उन्हें असल दुनिया से दूर कर दिया है और आभासी दुनिया में छोड़ दिया है, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन में जोखिम उठाइए, अगर आप जीतेंगे तो नेतृत्व करेंगे और अगर आप हारेंगे तो हारेंगे नहीं बल्कि मार्गदर्शन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में युवाओं के पास टैलेंट की कमी है या स्किल नहीं है या फिर उनके पास प्रतिभा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज एप्पल में 35%, माइक्रोसॉफ्ट में 34%, इंटेल में 17% और नासा में 36% युवाओं की भागीदारी नहीं होती। लेकिन आज हमारा सपना है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, लेकिन इस युवाओं में, हमारे देश के युवाओं में इतनी शक्ति है कि अगर वो चाहे तो 2047 से पहले भी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना जरूर पूरा कर सकते हैं। और इसमें हमारे सामने कई चुनौतियां भी हैं जिनमें से कुछ चुनौतियों को आज मैं आपके सामने रखनी चाहूंगी। जैसे कि सबसे पहला है शिक्षा। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश में हर व्यक्ति को लाइन में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक भी शिक्षा का अधिकार जरूर पहुंचे और शिक्षा से कोई वंचित ना रहे, क्योंकि अगर आप दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों का उदाहरण देखेंगे तो वहां पर फिर चाहे आप जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, फ्रांस जैसे देश देख लें तो वहां पर कम दाम में बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। और दूसरा है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन यानी कि प्रतिभा पलायन। हमारे देश के युवा हमारे देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे देश के संसाधनों से पढ़ लिख कर विदेशों में चले जाते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश के युवा जो है वो हमारे ही देश में रहे और हमें अपने देश में ऐसे अवसर बनाने चाहिए कि हमारे युवाओं को बाहर जाने की जरूरत न पड़े। और तीसरा, हमारे देश में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, युवाओं को राजनीति में जरूर आना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अक्सर राजनीति को गंदे कीचड़ के तौर पर देखा जाता है और कहा जाता है कि युवाओं को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। हर कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ये नहीं कहेगा कि आप नेता बने, तो इसलिए ऐसा नहीं है। अब हमारे देश में ये जरूरत है और सरकार भी इस चीज को कहती है कि युवाओं को राजनीति में अवश्य आना चाहिए ताकि जो युवा है वो अपने नए नए विचार, दृष्टिकोण और ऊर्जा से राजनीति में परिवर्तन ला सके। और अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आप अपनी खूबियां ढूंढो, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना, अगर रखना है कदम तो आगे रखो, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना, सपना देखना है तो ऊंचा देखो, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना, प्यार करना है तो खुद से करो, नफरत करने के लिए लोग हैं ना, तुम अपनी अलग पहचान बनाओ, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना, आप कुछ करके तो दिखाओ दुनिया को, आप कुछ करके तो दिखाओ दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। जय हिंद, जय भारत।